कांग्रेस ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सोच और आलोचनाओं के बावजूद दुनिया की बड़ी शक्तियों से सहयोग नहीं लेने के उनके फैसले के कारण अंतरिक्ष अन्वेषण में इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि पाकिस्तानी मीडिया में इसरो की शानदार उपलब्धियों पर काफी टिप्पणी की गई है और इस तथ्य को लेकर दुख जताया गया है कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1961 के अंत में ही हो गई थी, जबकि भारत में इनको स्पार की स्थापना उसके बाद 1962 के फरवरी महीने में हुई थी, लेकिन दोनों की उपलब्धियों में जमीन आसमान का अंतर है। रमेश ने कहा कि इसरो की सफलता के पीछे जिस मुख्य वजह को नहीं पहचाना जा रहा है वह यह है कि नेहरू ने पहले दिन से ही आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, जबकि दिल्ली में कुछ आवाजें अधिक अमेरिकी भागीदारी की वकालत कर रही थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो तत्कालीन सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, लेकिन पहले नेहरू और फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को भारतीय पेशेवरों द्वारा तैयार, नियंत्रित और संचालित किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके लिए वे होमी भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, पीएन हक्सर और कई अन्य लोगों से निश्चित रूप से सलाह लेते थे और वे उनसे प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि नेहरू युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मजबूत नींव रखी गई और विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। ऐसा उन तीखी आलोचनाओं के बावजूद किया गया जिनमें कहा जाता था कि एक बेहद गरीब देश होने के कारण भारत के लिए इस तरह का निवेश करना घातक होगा। बावजूद इसके यह एक आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक रूप से उन्नत राष्ट्र का दृष्टिकोण ही है जो आज भरपूर लाभ दे रहा है।